गोखले, वो टकलू शर्मा का बच्चा आया कि नहीं? मुझे लगता है केशव शर्मा साहब आ जाएंगे नहीं। क्यों, गांव से उसकी साली आई है क्या? नहीं नहीं, शर्मा साहब कल से बड़े टेंशन में है। क्यों? इनकम टैक्स की नोटिस आई है, रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं। फिर तो आज मैं कोई काम नहीं करने वाला। मैं आज बहुत दुखी हूँ गोखले। क्यों क्यों केशव क्यों? सुबह से प्रेमा शालिनी के दर्शन नहीं हुए क्या? ऐसी बात नहीं है, ये न्यूज पढ़ गोखले, न्यूज पढ़। वाह, इसमें तुझे दुखी होने की क्या बात है? दुखी नहीं हो तो क्या करो, मैं आज कोई काम नहीं करने वाला, मेरा मूड बहुत खराब है आज। केशव ये तेरी न्यूज है क्या? कोकी भाभी ने तुझे मारा क्या? ऐसे मेरे नसीब कहा गोखले? ये देख लोग कैसे कवारी लड़कियों के साथ चक्कर चलाते हैं, और मेरे नसीब में क्या है? क्या है? कुछ नहीं। अरे है, एक प्रेमाशालिनी है, लेकिन वो भी तेरा वन साइडेड चक्कर है, और वैसे भी वो शादीशुदा है। ए, शादीशुदा क्यों? वो शादीशुदा है लेकिन कवारी होने के बराबर ही। ये बात बराबर है, फिर भी वन साइडेड। लेकिन फिकर मत कर केशव, कोई ना कोई लड़की तेरे चक्कर में जरूर फंसेगी। अरे अपने शर्मा साहब को देख, इस उम्र में कॉलेज के सामने खड़े होकर अच्छी अच्छी लड़कियां पढ़ा दे हैं। एक सीक्रेट बात बोलो गोखले, इधर आ। ये टकले लोग होते ही बड़े नसीब वाले। क्या बातें हो रही है? कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं सर हम आपको। अरे मैंने सब सुन लिया है, जलता ना कैसा मेरे से जलता है। लड़की पटाना आसान नहीं है गोखले, हर कोई नहीं पटा सकता है। नहीं है, उसके लिए मीठी नजर चाहिए, टैग चाहिए, और मेरे जैसी पर्सनालिटी चाहिए। पर्सनालिटी? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। क्या कर रहे हैं? पर्सनालिटी बनाने के लिए ऑर्डर दे रहा हूँ सर, एक टकले विक का और तरबूजे का। टकला विक तो मेरी समझ में आया, लेकिन तरबूजा क्यों? केशव क्या है तुम्हारा खत? अरे छोड़ो ना खत को, होगा किसी कंपनी का शेयर एप्लीकेशन फॉर्म। मार्केट में जब तेजी थी तब फॉर्म नहीं मिल रहे थे, और आजकल मंदी में घर से सारी रद्दी शेयर फॉर्म्स की ही जाती है। वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने इस खत को खोलकर नहीं देखा है, लेकिन इस पर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल लिखा है। क्या बात कर रही हो? ऐसा अपने नसीब में कहा, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल? अपने लिए तो नो प्राइवेट नो कॉन्फिडेंशियल। एक प्रेमा जी है, मगर वो भी पब्लिक। क्या? मेरा मतलब पब्लिक फिगर के इशू। ठीक है ठीक है, पब्लिक। कुछ नहीं। नोटिस, इनकम टैक्स की नोटिस। एक काम करो ना क्योंकि मैं जरा थक गया हूँ, जरा चाय वाय लेकर आओ। मैं अभी आती हूँ। हाँ लेकर आओ। मेरे प्राण प्रिय केको, oh my God, ये तो लव लेटर है। साथ में लड़की ने फोटो भी भेजा है। नसीब खुल गया केशो, तेरा नसीब खुल गया। पढ़ते हैं, मेरे प्राण प्रिय केको, मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुई कुंवारी लड़की हूँ, मतलब 17-18 की हुई। मैं रोज तुम्हें बस स्टॉप पर देखती हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में फंस गई हूँ, तुम्हारी पर्सनालिटी पे मैं फिदा हुई हूँ। देखा टकलू शर्मा, इसे कहते हैं पर्सनालिटी। तुम्हारे प्यार में पूरी तरह खो गई हूँ, अये या करूं मैं क्या केकू केकू। I'm sweet 16, I'll never be 17. Good morning केकू जी। Good morning. केकू जी को क्या हो गया आज? केकू जी क्या है? आप लगता है ऑफिस जाने की जल्दी में है आज। हाँ क्यों? That's all. केकू जी क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? आज आप बहुत बन ठन के कहीं जा रहे हैं। माइंड योर ओन बिजनेस। खुश हो? बात ही कुछ ऐसी है गोखले, ये कहाँ गया टकलू शर्मा का बच्चा? आया नहीं अभी तक। शर्मा है टॉयलेट में। क्यों? टेंशन, इनकम टैक्स का चक्कर। एक मंगे कैसा? सर तो ऑफिस में देर जाता है, ऊपर से काम नहीं करता। सॉरी सर, काम करो काम करो। अरे वहाँ क्या देख रहे हो, कोई आने वाला है क्या? यस सर यस। कौन? इनकम टैक्स वाला। ये क्या हुआ गोखले, ये गया क्या? नहीं ये गया नहीं, बेहोश हो गया। क्यों? तूने इनकम टैक्स वालों का नाम जो लिया। छोड़ से छोड़, पहले ये पढ़ गोखले, ये पढ़। क्या ये देख, क्या क्या है? मोना नाम की सुंदरी का लव लेटर है, प्रेम पत्र। प्रेम पत्र? फोटो देख, फोटो देख।
अरे क्या क्यूट लड़की है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिखा है? मेरे प्राण प्रिय केकु, और आगे गाना भी लिखा है, अय्या करूं मैं क्या, केकु केकु हो गया दिल मेरा, केकु केकु अय्या केकु केकु। कांग्रेस के शो, इतनी सालों के पूजा के बाद तेरी तमन्ना पूरी हो गई। हाँ गोखले, हाँ। और ये शर्मा का बच्चा मुझे कह रहा था पर्सनालिटी, क्यों बे शर्मा? अरे अभी तो बेहोशी पड़ा है। एक मिनट मैं देखता हूँ। अरे घर में कोई है क्या? शर्मा जी, लगता है कोई नहीं है। मुझे कहता था लड़कियों को पटाने के लिए पर्सनालिटी चाहिए, अब उसकी हालत देख। जाने दे। अब उसे होश में कैसे लाएंगे? मैं अभी लाता हूँ। देख शर्मा साहब, इनकम टैक्स वाले चले गए। लगता है सुन लिया है। चल निकल निकल। ए, चलती है क्या 9 से 12? रात के शो की 2 टिकटें हैं। क्या बात है केशु, आज तुम्हारी सारी हरकतें रोड साइड रोमियो की तरह चल रही है। कपड़े भी वैसे पहने हैं। कोकी, ये यंग जनरेशन के कपड़े, समझी? हमारे जैसा यंग जनरेशन ऐसे ही कपड़े पहनता है। देख रही हूँ कई दिनों से तुम्हें मेरे साथ प्यार से बात करने का भी वक्त नहीं है, या फिर तुम चाहते ही नहीं हो। मैंने डिसाइड कर लिया कोकी, आज से मैं सिर्फ यंग जनरेशन से ही प्यार करूंगा, मोहब्बत करूंगा। इसका मतलब मैं बुढ़ी हो गई हूँ? नेचुरली, ये देखो तुमने ये कपड़े पहने। आजकल की हमारी जैसी यंग जनरेशन वाली लड़कियों को देखो, कैसे जकास, कैसे धाप धाप कपड़े पहनती है। ला रा 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 रा। अभी जाते हो क्या? ठीक है, जाता हूँ जाता हूँ। हेलो। हाँ। लगता है बिजी है। हाँ। केकु जी, कुछ दिनों से आप मुझसे बिल्कुल प्यार से बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, प्यार मैं सिर्फ यंग जनरेशन से करूंगा। क्या? यानी कि मैं बूढ़ी हूँ? हो सकता है। किसी ने छेड़ा? नहीं, नहीं, कुछ किया? उसकी ये हिम्मत, मैं उसकी यही सीट बजा दूंगा। मेरी बंदूक लेकर आओ। तुम्हारे पास तो बंदूक है ही नहीं। हमारे पास तो बंदूक है ही नहीं। केकु जी ने मुझे बुढ़िया कहा। उसकी ये हिम्मत, उसने एक बुढ़िया को बुढ़िया कहा? आई मीन एक गुड़िया को बुढ़िया कहा उसने? क्या मैं वाकई में बुढ़िया लगने लगी हूँ? नहीं डॉल, आई विल टेल यू द बेयर फैक्ट्स। तुम हो 26 की, लगती हो 16 की, लेकिन जब मुंह खोलती हो लगता है मेंटली 6 साल की। तू मेरा हीरो नंबर वन। क्या बात है केशव, आज एकदम हीरो नंबर वन बनकर आया हो। यंग जनरेशन गोखले, यंग जनरेशन। अच्छा ओल्ड जनरेशन आया है क्या? कौन? टकलू शर्मा? नहीं, वो शायद आज नहीं आएंगे। क्यों? टेंशन, इनकम टैक्स का चक्कर। अच्छा गोखले, वो आई थी? कौन? अरे मोना। अय्या, वो यहाँ क्यों आएगी? अरे उसने मुझे लव लेटर में लिख के दिया था ना, वो यहाँ आने वाली है। ये बात है, फिर कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। यार केशव, तेरे बाल जरा कुछ गड़बड़ है। जरा हीरो नंबर वन जैसे ठीक है ना? और ये शर्ट जरा ये ठीक तरह से, और तू तैयार हो गया? क्यों, वो कभी भी आ सकती है। अच्छा, तैयार हो गया। केशव जी तो बड़े लकी है, लव लेटर वो भी खूबसूरत लड़की से, कमाल की बात है। अरे वो कमाल तो मैंने किया है। क्या? मैंने ही लेटर लिखकर केशव के घर के एड्रेस पे पोस्ट किया है। फोटो? वो तो मुझे रिसेप्शन पर मिला था, फोटो के पीछे नाम लिखा था मोहना, मैंने लेटर के आगे लिख दिया मोहना। केशव जी ने सब सच समझ लिया। एक्सक्यूज मी। मोना, मैं आपके साहब से मिलना चाहती हूँ। क्यों, किस सिलसिले में? मैंने सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दिया था। साहब नहीं है। साहब है टॉयलेट में गए। देखो केशव कुलकर्णी नाम है उनका, चश्मे वाले हैंडसम साहब है। देखो मोना, उनको जरा सा मस्का लगाओगी ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं जॉब के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं उनसे जाके मिलूं? नहीं, उनको जरा बाहर तो आने दो। और देखो उन्हें केकु करके बुलाना, क्या है लड़कियों के मामले में वो जरा। मैं जॉब के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अब जाऊँ अंदर? उनको बाहर तो आने दो। खोखले जरा देख कैसा लग रहा हूँ। बॉस,
मोना केको तुम्हें मिला मेरा एप्लीकेशन 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 बहुत ही खूबसूरत है एप्लीकेशन तो हो जाएगा ना मेरा काम हो गया समझो मोना बस तुम्हारा काम हो गया केको तुम मुझे परमानेंट रखोगे या टेंपरेरी अब तो मैं परमानेंट परमानेंट रखूंगा परमानेंट करने मेरा केबिन ले आओ मोना लेकिन अपने आप को यहाँ का बॉस समझ रहा है उसके दिमाग पर थोड़ा असर पहुंचा है स्क्रू ढीला है ना मैं यहाँ का जूनियर क्लर्क और तू यहाँ का बॉस अब उसका स्क्रू जो है वो थोड़ा जैम हो गया कमल मोना हम कहीं चलते हैं और चलकर कहीं ठंडा गरम कुछ पीते हैं नो प्रॉब्लम मैं जॉब के लिए कुछ भी कर सकती हूँ कुछ भी ओके चलो हम चलते हैं ये दोनों तो चले गए अब इनका क्या करूँ शर्मा जी लगता है घर में कोई नहीं है फॉर्मूला शर्मा साहब इनकम टैक्स वाले गए कोकी जी मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ क्यों क्या हुआ मुझे आजकल केबू जी के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे वो कब ठीक थे दिलरुबा जी नहीं वो तो है लेकिन मैंने उनको आज एक लड़की के साथ एक होटल के अंदर जाते हुए देखा मुझे शक है दोनों का कोई चक्कर है ये हो ही नहीं सकता अरे इतना भरोसा है आपको केबू जी के ऊपर केशु पर नहीं उन लड़कियों पर है क्योंकि आजकल की लड़कियाँ इतनी बेवकूफ नहीं है कि केशु के प्यार में फंस जाए आपको पता है चार दिन पहले मोना नाम की किसी लड़की का केशु को एक लव लेटर आया है फिर क्या मैंने वो लव लेटर केशु को दे दिया आपने दे भी दिया हाँ क्योंकि ये मैं जानती हूँ क्योंकि वो लेटर केशु के किसी दोस्त ने लिखा है आपको कैसे मालूम क्योंकि उस लेटर के एनवेलप पर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल लिखा है तो क्या दिलरुबा जी कोई भी कुंवारी लड़की जब किसी शादीशुदा आदमी को लव लेटर लिखती है तो उसके एनवेलप पर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल कभी नहीं लिखेगी क्यों अरे पागल क्योंकि उसकी बीवी वो खत जरूर पढ़ेगी अरे हाँ अच्छा कि आपने मुझे बता दिया लेकिन वो लेटर कहाँ है ये देखिए ये उसकी जेरॉक्स है अच्छा? लेटर की और फोटो की फोटो ओह माय गॉड कोकी जी ये तो वही लड़की है जिसको मैंने देखा था केकू जी के साथ ये क्या कह रहे हैं आप सच कह रहा हूँ आपकी कसम आपने मेरी कसम ले ली हाँ। इसका मतलब आप सच कह रहे हैं तभी केशु ने आज मुझे सुबह सुबह बुड्ढी कहा अच्छा हाँ आपको भी बुड्ढी कहा उसने डॉल को भी बुड्ढी कहा वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया लेकिन वो आपको बुड्ढी कहा ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा ये मैं कभी सहन नहीं करूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं उनको कच्चा चबा लूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा हेलो दिलरुबा मेरे दोस्त कैसे हो तुम मैं ठीक हूँ देखा दिलरुबा जी आपने मेरा हाथ पकड़ा है फिर भी केशु आज आप पर गुस्सा नहीं हो रहा है ये तो हद हो गई अब मैं यहाँ एक मिनट नहीं रह सकती मैं जा रही हूँ अपने मायके ऐसे कैसे जाएंगे आप अपना बैग तो ले लीजिए उसकी कोई जरूरत नहीं है मैंने दो चार कपड़े मायके में रख दिए हैं क्योंकि ये सिर हमारे घर में बार बार होता है कोकी जी मैं भी वही साइड जा रहा हूँ चलिए आपको आपके मायके में ड्रॉप कर देता हूँ मेरा मायका कौन सी साइड में है पता नहीं ना तो आप अपने घर जाइए मैं तो जा रही हूँ मायके संभल के जाना कोकी संभल के जाना यू ना मुझ पे डाल डाल डोरे डोरे गोरे गोरे केशा का बच्चा कहाँ है लगता है कि आज वो नहीं आएगा हाँ शायद कोकी भाभी की तबीयत ठीक ना हो अरे केशव जैसे आदमी से शादी करके बेचारे कोकी की तबीयत कैसे ठीक लग सकती है मुझे लगता है कि कल जो लड़की आई थी ना उसको घुमाने ले गया हूँ हेलो हाँ मैं शर्मा बोल रहा हूँ क्या क्या हुआ शर्मा साहब अरे गोखले दिलरुबा का फोन था कह रहा था कि कोकी मायके गई है और केशव के बच्चे ने किसी सुंदर सी लड़की को घर पे बुला लिया है पता है दिलरुबा ने कोकी को फोन करके वापस बुला लिया है मैं भी चलता हूँ आप कहाँ जा रहे सर मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना है लेकिन सर साइन साइन करके जाइए सर प्लीज पेपर है इसमें पेपर है देखो मोना अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है कौन है एक मिनट हाँ किसान क्या कर रहा है
सो दीदरों माने शर्मा साहब को सब कुछ बता दिया। शर्मा साहब यहाँ आ रहे। क्या? ये तो अच्छा हुआ, रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो पैदल आ रहे, मैं टैक्सी से आगे आया हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं शर्मा साहब से निपट लूंगा। तुझे 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 केशव केशव कोकी भाभी भी आ रही है। एक काम कर, कुछ देर के लिए इसे बेडरूम में छिपा दे। जॉब के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, तुम छुप जाओ। सुनो, जब तक मैं बाहर नहीं बुलाऊ तुम बाहर मत आना, ओके? कहाँ है केशव? अच्छा हुआ कोकी जी आप आ गई। वो आवारा बच्चन केशव जी अंदर हैं उस लड़की के साथ। अच्छा, अब जाइए और जाके उसको रंगे हाथों पकड़ लीजिए। आप क्यों रो रहे हैं? मुझे आपकी फिक्र लगी है ना। कोई जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और जाकर डॉल को लेकर आता हूँ। क्यों, डॉल को किस लिए? ताकि वो केकू जी के काले कारनामे देख सके ना। ये अच्छा आइडिया है, जाइए जाइए जल्दी लाइए उन्हें। जाता हूँ। अरे वाह, एक तीर में दो शिकार, दिलरुबा कितना होशियार। अरे केशु। अरे कोकी, क्या बात है तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? हाँ, मैं जल्दी वापस आ गई, मगर क्या बात है तुम दोनों आज ऑफिस नहीं गए? अरे वो क्या है, वहाँ लाइट गई है। अच्छा, ऑफिस में लाइट चली गई? हाँ, और क्या, चलो है ना। तो हमने सोचा यहाँ बैठ के ही ऑफिस का काम कर ले। वेरी गुड केशु, वेरी गुड। आप दोनों यहाँ बैठ कर ऑफिस का काम कर लो, मैं अंदर बेडरूम में जाकर आराम कर लूँ। नहीं 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 कोकी, अंदर शर्मा साहब बैठे हैं। अंदर? हाँ, वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं ना। लेकिन वो क्यों अंदर बैठे? मैंने उनको कहा हमारे साथ बाहर आकर बैठिए, तो कहने लगे नहीं मैं बॉस हूँ, मुझे कैबिन की आदत है, मैं बेडरूम में बैठूंगा। ठीक है, मैं शर्मा जी से हाय हेलो करके आ रही हूँ। कोकी, वो गुस्सा करेंगे ना। अभी हमारे ऑफिस में तिवारी नाम का एक हेडर था, एक दिन उसकी बीवी डायरेक्ट शर्मा साहब के केबिन में घुस गई। कितना गुस्सा हो गया शर्मा साहब, उसने तिवारी को नौकरी से निकाल दिया। अभी तक बेकार है, हालत खराब है, कल ही 10 रुपए मांग रहा था। अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाती हूँ अंदर, लेकिन जब तक शर्मा साहब बाहर नहीं आते मैं यहाँ इसी कुर्सी पर बैठी रहूंगी, यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगी। हाँ केशव, ठीक है। भाभी वो केशव, ये बेल बजी। अरे नहीं चाहिए ना सब्जी वाले, हमको दूध नहीं चाहिए, जाओ। अरे सब्जी वाला, सब्जी वाला। अरे शर्मा जी आप यहाँ है तो केशव अंदर कौन है? अंदर एमडी। शर्मा जी आप अंदर आइए। कोकी जी मैं सब ठीक कर लूंगा, आज मुझे केशव के बच्चे को रेड हैंडेड पकड़ना है। गोखले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, मैं भी केशव को रेड हैंडेड पकड़ने आया हूँ। लेकिन सर आपके हाथ को क्या हो गया? अरे भैया मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, गाड़ी वाले ने मेरे को ठोक दिया। वो तो अच्छा था कि गाड़ी वाला ड्राइवर डॉक्टर था, उसने मेरी बैंडेज की और मैं यहाँ पे आ सका। अब तो ठीक है ना? ओके, क्या कर रही हो? शर्मा साहब को इतना लगा है, जाओ उसे चाय पानी पिलाओ। शर्मा जी मैं आपकी चाय लेकर आती हूँ, जरा ध्यान रखना अंदर कोई है। मुझे मालूम अंदर कौन है, मुझे मालूम है कोकी जी। क्यों रे बिपंगो, भीतर कौन है? एमडी है सर, एमडी। एमडी तो फॉरेन गया हुआ है। अंदर केशव की एमडी है। हाँ सर, मोना डार्लिंग है, मोना डार्लिंग। गोखले मुझे लगता है ऑपरेशन का वक्त आ गया। ये बात है? यस। शर्मा साहब इनकम टैक्स वाले आ गए। गोखले मेरे दोस्त, अब तू एक काम कर, किचन में जाकर कोकी को संभाल, तब तक मैं मोना को पार्सल करता हूँ। ओके मोना डार्लिंग। अरे यस, कोकी भाभी क्या है, चाय बना रही हो? नहीं नहीं, गर्मा गर्म शरबत बना रही हूँ। क्या है केकू? मोना डार्लिंग कम ऑन लेट्स गो। कहाँ? अरे चलो, कहाँ कहाँ मत पूछो, लेट्स गो। जो बात मैं कहने के लिए आया था वो तो भूल ही गया। क्या क्या है? शर्मा साहब के लिए आपको अलग से चाय बनानी पड़ेगी। क्यों? बगैर शक्कर की पीते है ना। अच्छा अच्छा। और हाँ, मेरे लिए भी अलग से बनानी पड़ेगी। क्यों? ज्यादा शक्कर की पीता हूँ ना। गोखले, केशव, गोखले, केशव, मोना को कहाँ छोड़ के आए? उसको सही जगह पर छोड़ के आया हूँ, चल जल्दी से इसे इंजेक्शन दे। इंजेक्शन दे। वे शर्मा साहब, इनकम टैक्स वाले चले गए। शर्मा जी, शर्मा जी आपने ध्यान रखा था ना? अरे मैं तब से यहीं बैठा हूँ कोकी जी। ठीक है, लीजिए चाय लीजिए। चाय को मारिए गोली, पहले से जो बम भीतर छिपा के रखा है उसको देखते हैं। आइए चलिए। कोकी जहाँ तुम रुको, तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है ना? लेकिन याद रखना कोकी, अगर तुम्हें अंदर कुछ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। कहाँ, अंदर तो कोई नहीं है शर्मा जी।
कहा था कोकी के अंदर कोई नहीं। आप खामखा केशव पर शक कर रही थी। अरे वो मोना वाला खत तो मैंने लिखा था। क्या गोखले? गोखले शर्मा जी अब दोनों यहाँ से चले जाइए। खामखा हम दोनों में झगड़ा लगा दिया, जाइए। ऐसी क्या आफत आ गई कि मुझे खुद पिकअप करने आ गए शूटिंग से? आज मैं तुमको केकड़े का असली रूप दिखाना चाहता हूँ डॉल। मुझे भी ना असली रूप। वो एक नंबर का LLC है। LLC? लुच्चा लफंगा चोर। क्या किया उसने? पता क्या किया है? मोना नाम की एक लड़की को अपने घर में कोकी जी की गैर हाजिरी में ला कर रख लिया है। रख लिया? How dare you? लेकिन मैं भी तो डेढ़ शाना हूँ ना। डेढ़? You mean one and a half? Smart, smart, डेढ़ शाना। क्या मैंने क्या? मैंने कोकी जी को फोन करके सब कुछ बता दिया है। मोना तुम यहाँ? पता है मैं तुम्हारे कब से बेडरूम में इंतजार कर रही हूँ। मेरा? Come on, it's time to enjoy. Yeah, you are right. It's time to enjoy. Come on. Excuse me. Excuse me. Oh yeah. It's time to enjoy. Yes! छोड़ दो कोकी, मुझे छोड़ दो। आज मैं आत्महत्या करके अपनी जान दे दूंगा। तुमने मुझ जैसे भोले भाले इंसान पर शक किया। मुझे माफ कर दो केशव, आइंदा मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। नहीं माफ करूंगा। आज तो मैं अग्नि परीक्षा देकर यह साबित करके रहूंगा कोकी कि मैं एक सत्यवान, चरित्रवान और एक दयावान इंसान हूँ। केशव मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने नन्हे से चिंटू के लिए तो सोचो। नन्हा सा चिंटू? नहीं, मैं किसी के लिए सोच नहीं सकता। मैं अपनी जान दे कर रहूंगा। हे धरती माता। नीचे केशव। सॉरी, हे धरती माता, मुझे अपनी बाहों में संभालो। दिलरुबा जी अब चले जाइए यहाँ से। आज से आप मेरी नजरों में गिर गए हैं। कोकी, मेरी बात तो सुनिए। चुप रहिए। मेरे भोले वाले केशव पर इतना गंदा इल्जाम लगाकर आपने उसके लिए मेरे मन में शक पैदा किया है और मैं बुद्धू आपकी बातों में आ गई। मुझे आपकी सूरत तक नहीं देखनी है। क्यों बे भैंसे, मेरे खिलाफ मेरी बीवी को भड़काता है? एक बात बता दोस्त। बोल दोस्त। चल तुझे तुझे तेरी डॉल की कसम, वो लड़की तेरे घर में थी ना? सच बोलना। देख थी, दिलरुबा थी। तो फिर मेरे घर में कहां से आ गई? क्योंकि मेरे दोस्त तेरे घर के हर ताले की चाबी मेरे पास रहती है।